गरुड़ नगर में जरूरतमंद लोगों को 26 मार्च से भोजन पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। राजेश सेतिया और राजेंद्र जैन की समिति और सहयोगी द्वारा प्रत्येक वार्ड में नियुक्त कार्यकर्ताओं को पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। आज गरोट भानपुरा के विधायक देवीलाल धाकड़ ने भोजन पैकेट व्यवस्था का जायजा लिया एवं सभी पत्रकार बंधुओं से चर्चा की। पत्रकार बंधुओं ने विधायक से भोजन व्यवस्था को लेकर प्रशंसा की एवं ग्रामीण क्षेत्र में भी व्यवस्था को लेकर चर्चा की। विधायक धाकड़ ने प्रत्येक वार्ड में अपने हाथों से आज 521 भोजन पैकेट वितरित किए एवं कोरोना वायरस के बचाव को लेकर गरोट एवं भानपुरा में हॉस्पिटल में कीड़ हेतु 50,000 रुपए स्वीकृत किए। सभी पंचायतों में सचिवों को निर्देश दिए गए कि गांव में जरूरतमंदों को भोजन की व्यवस्था करवाएं और गांव की ध्यान रखें। मध्य प्रदेश द्वारा प्रत्येक पंचायतों में राशि डाली गई जिसको जरूरतमंदों की व्यवस्था पर ही खर्च करना है। विधायक ने भोजन पैकेट व्यवस्था में लगे सभी कार्यकर्ता की प्रशंसा की और कहा कि आप जो सेवा आज कर रहे हैं उसका फल जरूर मिलेगा, क्योंकि जितने जरूरतमंद की पास आप भोजन पहुंचा रहे हैं उनका आशीर्वाद ही बहुत बड़ी सफलता है। करोड़ से संवाददाता जीवन साकला की रिपोर्ट। देखिए, आह्वान तो देश के प्रधानमंत्री का है और जो दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं और प्रशासन ने भी जो व्यवस्थाएं की है कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि कोरोना जैसी इस महा भयानक जो बीमारी है इसका इलाज ही केवल एकमात्र ये है कि सोशल डिस्टेंस बना के रखना, दूरी बना के रखना। इसलिए अपने घरों में रहें, सैनिटाइज का उपयोग करें, स्वच्छता के लिए उन्होंने बताया कि बार बार साबुन से हाथ धोएं। तो इसी दृष्टि से गरोट विधानसभा में भी इन सब सूचनाओं का पालन ठीक प्रकार से और लोग कर रहे हैं। मैं बराबर निकला हूँ भानपुरा में भी और बाकी जगह भी, वहाँ पर लोग घरों में हैं, केवल दैनिक उपयोग की वस्तुएं खरीदने का जो समय जरूर जाते हैं, कुछ लोगों को समझाइश दी जाती है, इसका पालन हो रहा है। ऐसी स्थिति में चूँकि लोग घरों में बाहर अंदर हैं, जो लोग रोजाना कमा के अपना परिवार चलाते हैं ऐसे लोगों भी को भी और भोजन की व्यवस्था घर पर पहुंचाने की है। गरोट में भी की है, भानपुरा में भी की है, ताकि इस कोरोना जैसी बीमारी में और उनको रोजगार यदि बंद हो जाए तो उनको ऐसा ना लगे कि हम भूखे मरें। इसलिए उनकी भी व्यवस्था समाज के कई समाज सेवा सामाजिक संस्थाएँ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर की है। अभी यहाँ गरोट में भी जो इस प्रकार की व्यवस्था भोजन के पैकेट पहुंचाने की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, ताकि किसी को यह ना लगे कि नहीं मेरी चिंता कोई नहीं कर रहे हैं। आगे जाकर ये और यदि प्रधानमंत्री जी का आह्वान होगा तो इसका पालन हम करेंगे, तभी जाकर इस बीमारी से हम निजात पाएंगे। गरोट क्षेत्र में कई लोग बाहर फंसे हुए हैं, राजस्थान वगैरह, तो क्या प्रयास किए जाए? देखिए, बड़ी संख्या में अपने यहाँ के बंजारा समाज के लोग विभिन्न प्रांतों में व्यवसाय के लिए जाते हैं। अधिकांश लोग अपने घरों पर पहुँच गए हैं, उनकी जाँचें वगैरह भी हो गई है। मेरे ख्याल से जितने बड़ी संख्या में लोगों को बुलाने की व्यवस्थाएं की है, कई लोग राजस्थान से होकर इधर झाबुआ के जो अपने वनवासी बंधु हैं वो लोग पैदल पैदल आ रहे थे, तो उनके भोजन की व्यवस्थाएं की, उनको उनके मुकाम पर यथा स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था भी हम लोगों ने की है। सबकी चिंता हम कर रहे हैं। अब बहुत कम संख्या में कुछ इक्के दुक्के लोग कहीं इधर उधर रह गए होंगे, उनकी व्यवस्था वहीं पर, वहाँ से यदि आने की व्यवस्था नहीं हुई तो वहीं पर उनकी व्यवस्थाएँ की, ताकि उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो। सर, विधायक निधि से आपने भानपुरा में 30 लाख रुपए डोनेट किए हैं, गरोट के लिए क्या है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने समान रूप से गरोट में भी विभिन्न पंचायतों में विधायक निधि दी है, कहीं पर पुलिया के लिए दिया है, कहीं पर सीसी रोड के लिए दिया है, कहीं पर चबूतरा निर्माण के लिए दिया है, और ऐसा समस्त पंचायतों में। कुछ पंचायतें छुट्टी होगी, जो छुट्टी होगी उसको आने वाली निधि में से मैं दूंगा। मैंने अभी इस कोरोना बीमारी को लेकर अभी कल ही मैंने कलेक्टर को पत्र लिखा है कि स्वास्थ्य कर्मी जो सेवा में लगे हुए हैं उनको किट मिल जाए, मास्क वगैरह सैनिटाइज की उपलब्धता हो जाए। इसलिए मैंने डॉक्टर साहब से पूछने के बाद 50,000 रुपये भानपुरा गरोड़ दो जगह मैंने कल ही मेरी विधायक निधि से दिए हैं।